स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो भाई जबरदस्त है, जबरदस्त वीडियो का कंपैरिजन हो रहा है बीस्ट के अंदर। एक ये भाई नथिंग फोन आया, नथिंग को समथिंग प्रूव करना है कुछ ना कुछ, और एक ये गूगल का फोन है भाई, गूगल 6A। दोनों ही नए कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट हैं। मतलब एक गूगल की फ्लैगशिप सीरीज है, गूगल का बेस मॉडल लगा लो आप, और एक है भाई नथिंग का लेटेस्ट फोन। तो दोस्तों बिल्कुल मतलब ये कंपनी अपने आप को शो करना चाह रही है इस प्राइस पॉइंट पे, और प्राइस लगभग सेम है दोनों के। और वीडियो का कंपैरिजन इसलिए ज़बरदस्त हो रहा है भाई क्योंकि दोनों ही मतलब मार्केट से अलग चलने वाले डिवाइस हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आई एम DPS और मेरा नाम है पुनीत, एंड लेट्स बिगेन। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी में भाई नो डाउट ये वाला फ़ोन बाप लगता है सबका, बहुत प्रीमियम फील आता है। पिक्सल बड़ा वीक है इस मामले में, बुड्ढा फोन है ये, जवान थोड़ा लग रहा है। तो डिज़ाइन मतलब सीधा ही नथिंग फोन को जाता है भाई, डिज़ाइन में नथिंग फोन एक नंबर, एक पॉइंट ले लिया इसने। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी के अंदर भी भाई ये लगा लो क्वालिटी दोनों की प्रीमियम है, बट दिखने के अंदर जो फील है और लगभग आईफोन मार्केट में चले हुए हैं और उन्हीं जैसा ये लगता है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में मेरे हिसाब से नथिंग ही बढ़िया है क्योंकि भाई बिल्ड क्वालिटी के अंदर इसमें जो गोरिल्ला ग्लास यूज कर रखा है नथिंग के अंदर, वो मजबूत है गूगल वाले से। गूगल में प्लास्टिक आती है, इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 आता है, तो भाई एडवांटेज इसको ही मिलेगी नथिंग को। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में भाई क्लियर विन है नथिंग फोन की। दोस्तों अब बात आ जाती है अनलॉकिंग फीचर्स की, जिसके अंदर भाई ये फेल है, पास होना या कंपटीशन वाली बात ही नहीं है, गूगल वाला फेल है। इतना गंदा रिस्पॉन्स है फिंगरप्रिंट का, आप सोच भी नहीं सकते। ये मतलब ऐसे ऐसे तोड़ना पड़ता है ताला, और इसके अंदर भी अभी ऐसे खोला मैंने, बट इसके अंदर फेस आईडी है जो कि काम करती है। ये देखो ये फेस आईडी काम कर रही है, और इसके अंदर अंगूठा जो कि भाई बदमाशी करता है। तो भाई ये एक कामयाब वाली बात नहीं है, ये नथिंग फ़ोन को जाता है। इसके अंदर पैटर्न ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ये गूगल पिक्सल 7 आने के बाद क्या पता इसके अंदर अपडेट दे के और इसके अंदर फेस आईडी डाल दें जो कि फेस अनलॉक होता है, तो फिर इसका मतलब कुछ बाद में हो सकता है, बट अभी नथिंग क्लियर विनर है। दोस्तों डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले के अंदर भाई ये जो गूगल के अंदर डिस्प्ले मिलती है अपने को 60Hz की है, जो कि बहुत कम है मार्केट के हिसाब से। 15,000 में भी 90Hz की डिस्प्ले आ जाती है, कंपटीशन करा देते इसका अगर ये 90Hz की होती तो। इसके अंदर कई मतलब टिल्ट के अंदर ब्लू ग्रीन टिल्ट आ रहे हैं थोड़े से, मतलब कलर चेंजिंग के, मेरे वाली में लकीली नहीं है बट कईयों के अंदर आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं तो झूठ नहीं बोलती पब्लिक। और ये वाला जो है भाई नथिंग वाला, इसके अंदर 120Hz की डिस्प्ले है, पीक ब्राइटनेस थोड़ी कम है इसकी, ज़्यादा है, बट विनर यही रहेगा। इसकी डिस्प्ले अच्छी है, साइज़ भी थोड़ा बढ़िया है, 120Hz की डिस्प्ले है, तो मेरे हिसाब से भाई। और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी लगा रखी है वो फोल्ड होने वाली एप्पल वाली टेक्नोलॉजी लगा रखी है डिस्प्ले की, तो नीचे वाली जो चिन है वो बिल्कुल मिनिमम है, सिमेट्रिक बेजल्स हैं सारे, तो नथिंग डिस्प्ले के अंदर फार फार बेटर है, फार फार बेटर। दोस्तों ऑडियो की बात कर ली जाए तो दोस्तों इसके अंदर थोड़ी आईफोन फील साउंड क्वालिटी है नथिंग फोन के अंदर, थोड़ी पैनी आवाज़ होती है आईफोन्स की और थोड़ी क्लियर होती है, और इसके अंदर थोड़ी बेस वाली आवाज़ है और थोड़ी सी फैल के आती है, जो जैसे अगर कोई मूवीज़ वगैरह देखता है और क्वाइट एनवायरनमेंट है तो ये वाला गूगल वाला बढ़िया देता है आवाज़। अगर आप कोई इसके अंदर मूवीज़ वगैरह देख रहे हो तो इसमें थोड़ी पैनी आवाज़ फील होती है, म्यूज़िक के अंदर भी ये थोड़ा शार्प फील होता है आईफोन की तरह, और ये थोड़ा बेस वाला आवाज़ देता है। ऊपर वाला जो इसका स्टीरियो स्पीकर है, ऊपर वाला स्पीकर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आवाज़ देता है, तो इसके अंदर थोड़ा बेस है और इसके अंदर थोड़ा आईफोन फील है, और आईफोन वाली भी लोगों को पसंद आती है और बेस वाली भी पसंद आती है, जो HTC के अंदर आती थी वो वाली फील ये गूगल वाला फ़ोन दे देता है म्यूज़िक के अंदर। वाइब्रेशन मोटर बहुत बड़ा पार्ट है मोबाइल यूनिट का, और साथ में जो फील आती है चलाने में उसको बहुत इन्हेंस कर देता है, तो वो वाली फील भाई यहाँ पे थोड़ी लैग कर रही है नथिंग फ़ोन के अंदर, नथिंग फील हो रहा है उसके अंदर। और इसके अंदर गूगल के अंदर जो प्रो वाले 6 Pro के अंदर जो फील आती है वो वाली फील आती है, वाइब्रेशन थोड़ी बैक के अंदर या टैप के अंदर जो वाइब्रेशन की फीडबैक है वो ज़बरदस्त है। सॉफ्टवेयर की बात कर ले तो दोस्तों सॉफ्टवेयर के अंदर डायरेक्ट पॉइंट जाता है गूगल के पास, क्योंकि ये भाई अपडेट वगैरह बढ़िया दे रहे हैं, लैग वगैरह कम दे रहे हैं, थोड़ा हीटिंग इशू इसके अंदर है, बट वो नहीं है कहीं जल मरे आदमी, बट है हीटिंग इशू। और इसके अंदर भाई ये सॉफ्टवेयर से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है
ये नथिंग वाले फ़ोन अपडेट पे काम करना पड़ेगा। टीम में 20-30 आदमी और बढ़ाने पड़ेंगे ताकि थोड़ा सा लैग्स वैग्स पे काम कर लें। परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों मैं कहूँगा कि गूगल वाला विनर है, क्लियर विनर है। इसकी चिप भी बड़ी है और इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी अच्छा है, तो मतलब दोनों चीज़ मिला के ये एक हाई एंड मटेरियल है। और ये एक क्वालकम की देसी वाली चिप है, पुराने वाली वो यूज़ कर रहा है, तो उस हिसाब से ये मिड रेंज कैटेगरी का फ़ोन हुआ। और साथ में सॉफ्टवेयर के साथ भी सपोर्ट अच्छा नहीं है, तो परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से गूगल क्लियर विनर है। कैमरा में दोस्तों इन दोनों के अंदर ही मैंने शॉट्स लिए हैं और लगभग सेम से शॉट हैं, आप चेक कर लेते हैं भाई। देखो इसका पैटर्न ही लगाना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। ये नाइट का कैमरा है, ये इसके अंदर है। इसके अंदर दोस्तों इसका टंकी का कलर देखो और इसकी टंकी का कलर देखो, दिख रहा है ये रेड है ये ऑरेंज है। मेरी बाइक का कलर रेड है, ये मेरी है, ये तो बंदा वैसे ही बैठा है इस पे। ये रेड कलर की बाइक है क्योंकि, और इसके अंदर येलो दिख रही है, ऑरेंज दिख रही है, तो मेरे को ये वाली बाइक अच्छी लगी इस फ़ोटो के अंदर। और इस फ़ोटो के अंदर कोई फ़र्क लगता है तो लगभग इसके अंदर शाइनिंग ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे साइलेंसर में, और इसमें थोड़ी कम दिख रही है। तो इस फोटो के अंदर बुलेट इसके अंदर अच्छा लग रहा है, ये मेरा नहीं है जिसका भी अच्छा लग रहा है। और सेल्फी के अंदर अब ये सेल्फी है इसके अंदर, मतलब यहाँ पे साइड में जो रिफ्लेक्शन आ रही है इसके अंदर वाइट वाइट शो हो रहा है, और गूगल के अंदर वो चीज़ शो नहीं हो रही है, और थोड़ी क्लियरिटी भी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि गूगल को ही पॉइंट दूँ इसमें, गूगल अच्छा कर रहा है। और यहाँ पे टैंक की फ़ोटो है और साथ में व्यू है, तो टैंक यहाँ पे दोबारा से ऑरेंज सा फील हो रहा है और यहाँ पे रेड फील हो रहा है। और रोड, जो रोड दिख रहा है यहाँ पे प्लेन लग रहा है, जैसे चिप्पस का बरस बोलते हैं हमारे हरियाणा में, ये थोड़ा सा रगड़ सा लग रहा है जैसे रोड होता है। तो काफ़ी फ़र्क है यहाँ पर क्वालिटी के अंदर, मेरे को लगता है कि गूगल थोड़ा अच्छा कर रहा है। और ये पेड़ देख लेते हैं हम, ये दोनों में पेड़ है और पेड़ पेड़ बराबर सा लग रहा है भाई, पेड़ बराबर सा बोल सकते हो आप क्वालिटी के मामले में। तो ये टैंक है, टैंक ये कलर इशू थोड़ा सा है इसके अंदर, ये सफ़ेद करने की कोशिश करता है, इसीलिए अगर आप रेड में सफ़ेद मिक्स करते हैं तो ऑरेंज सा हो जाता है, ऐसे ही हो रहा है। ये वाइट कलर थोड़ा सा ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है ताकि वीडियो फोटोज़ अच्छी लगे, बट इसको ये नहीं पता भाई साथ में गूगल वाला फ़ोन खड़ा है। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला कैमरा बेटर है थोड़ा सा। तो कैमरा के अंदर पॉइंट भाई अगर कंपटीशन करते हैं तो अपने गूगल को मिलता है। और इनकी जो अलग अलग वीडियोज़ हैं वो भी मैंने डाल रखी है। तो दोस्तों बैटरी की बात की जाए तो दोनों समान है, एक दिन निकाल देंगे। ये थोड़ा स्लो चार्जिंग है, ये थोड़ा फास्ट चार्जिंग है। चार्जर डब्बे में नहीं आता है, डब्बे में चार्जर लेने के बाद अगर आप सैमसंग का चार्जर यूज़ करते हो तो दोनों के अंदर सैमसंग का ही चार्जर चलेगा, या फिर एक पेंट्रोनिक्स का आता है क्वालकम चार्जिंग, वो भी ले लेना आप, ऑफलाइन स्टोर से बाय कर लेना, और स्टोर की ही वारंटी होती है। जिस भी मोबाइल वाले से आप परचेज करोगे वो ही उसकी वारंटी क्लेम करता है और वारंटी मिल भी जाती है, तो वो काफ़ी सही है। और 601 रुपये का आ जाता है। और सैमसंग वाला लोगे आप, जो नोट 10 प्लस के साथ आता था वो वाला आपको 1200 के आसपास फ्लिपकार्ट वगैरह पर मिल जाएगा। तो दोनों के साथ चार्जर आपको लेने पड़ेंगे अगर आपके पास नहीं है तो, आपको बढ़िया जिस जिसमें जो जो पीक फास्ट चार्जिंग है दोनों देखने को मिल जाएगी। तो नथिंग फ़ोन चार्जिंग के मामले में स्पीड ज़्यादा है और गूगल की थोड़ी कम है, तो नथिंग के पास ये पॉइंट है भाई, नथिंग की स्पीड ज़्यादा है। बैटरी बैकअप लगभग सेम सा है, ये थोड़ा हीट हो जाता है, ये थोड़ा ग्लिची सा है, तो नथिंग विनर है मेरे हिसाब से इस चार्जिंग के मामले में। दोस्तों अब आ जाती है बात प्राइस की, भाई ये सेल वेल ना काम बिगाड़ देती है प्राइसों के। तो नथिंग फ़ोन भी 27-28 का मिल रहा है आईसीआईसीआई कार्ड पे, और ये गूगल वाला फ़ोन भी 27,000 का मिल रहा है, सेम प्राइस चल रहा है भाई। 6128, ये 8256, 8128 दो वेरियंट है इसमें, 6128 कलर इसमें वाइट ब्लैक, इसमें भी वाइट ब्लैक, इसके नाम अलग से हैं, कौन जाने भाई क्या क्या याद करना पड़ता है, काला धोला हरियाणा में, वैसे ब्लैक एंड वाइट, तो दोनों ब्लैक एंड वाइट आते हैं। कलर्स इसके ज़्यादा अच्छे हैं, जो नथिंग वाला फ़ोन है ना इसके कलर्स थोड़े अच्छे हैं, ये थोड़ा सा ग्रे शेड में आता है और वो क्रीम कलर में आता है वो वाइट वाला। दोस्तों आपको अब डिसाइड करना कितना ईजी हो गया है कि आपको एक गूगल का फ़ोन लेना है या फिर एक नथिंग फ़ोन लेना है, नथिंग फ़ोन या फिर एक गूगल फ़ोन।